Hello, my dear children. Today we are going to start with class 7 science, chapter number 6, that is respiration in organism. Let's begin the chapter. The main aim of this chapter will be studying the importance of respiration and the steps involved, understanding respiration in human beings, plants, and animals, and the types of respiration. Have a look on warm up. You have learned that the plants require certain gases for the process of photosynthesis.

और अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे एक्सेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड वी नीड एनर्जी फॉर वर्क ग्रोथ एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द लाइफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट विच इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी वी हैव लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस इन विच क्लोरोफिल ग्रीन लीव अब्सॉर्व सनलाइट And combines it with water and carbon dioxide to make food. The food thus prepared by green plant is rich in energy. तो so, हमने अभी तक के आप पढ़ा है कि जो plants होते हैं, they are called as autotroph, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो so, वही खाना तो हम भी खाते हैं to get energy. तो so, plants use carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Chlorophyll जो है उनके अंदर, जो एक green color की pigment होती है, वो sunlight को trap करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चेंज करती है ग्लूकोज में और यही खाना है जो हम लोग खाते हैं टू गेट एनर्जी तो हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख सकते हैं बच्चों सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज प्लस सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस जो है ये रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज अ बाय प्रोडक्ट मतलब एज अ वेस्ट प्रोडक्ट और ये ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए कितनी जरूरी है ये तो आप सबको ही पता है सनलाइट एनर्जी कलेक्टेड बाय ग्रीन लीव्स आर स्टोर्ड इन फूड इज मेड अवेलेबल टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर परफॉर्मिंग लाइफ एक्टिविटीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन तो अब रेस्पिरेशन क्या होता है आपको पता है आप कॉन्स्टेंटली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं आप ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं तो क्या ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है नहीं दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज ब्रीदिंग टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का मतलब होता है बच्चों द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो खाना हमने खाया है उसका ऑक्सीडेशन होता है हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो ना यही ऑक्सीजन हर सेल में पहुंच के उस खाने का ऑक्सीडेशन करती है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस सच एज वर्किंग ग्रोइंग डेवलपिंग सभी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन we even require energy while sleeping this energy is obtained from the food we eat the digestive food reacts with oxygen present in the body and release energy this process is called as oxidation of food when something reacts with oxygen the reaction is called as oxidation in the oxidation of food along with energy carbon dioxide is also released and expelled, expelled out from the body Respiration can be defined as a vital process that involves inhalation of oxygen, rich air to oxidize food and release energy. Wo energy hai In the form of ATP Jo hame kam karne mein help karti hai. Releasing energy in the body cell and exhalation of air rich in carbon dioxide and other waste products like water in the form of vapor from the body.

क्योंकि फूड हर सेल तक पहुंचता है और हर सेल में इस फूड का ऑक्सीडेशन होता है इसी ऑक्सीडेशन की वजह से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस एनर्जी और यही वो एनर्जी है जो हमें सारे काम करने में हेल्प करती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारी बॉडी से एक्सेल आउट कर दी जाती है अलॉन्ग विथ वॉटर वेपर। हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस फूड इज द डैश ऑफ एनर्जी फूड इज द बताओ क्या होता है एनर्जी का स्टोर हाउस

द नेज़ल कैविटी ट्रैकिया ब्रोंकाय एंड लंग्स तो ये सारे ऑर्गन्स हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के तो जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो हमारे नॉस्ट्रल से पास होती है चिल्ड्रन नाउ यू ऑल हैव सीन दैट योर नॉस्ट्रल्स हैव हेयर्स इन देम हेयर्स होते हैं म्यूकस होता है ताकि जो एयर आप ब्रीथ कर रहे हो उसके अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स है या कोई फॉरन ऑब्जेक्ट है वो आपके हेयर्स में ट्रैप हो जाएगा या वो म्यूकस में जाके चिपक जाएगा और जो एयर आपके नॉस्ट्रल से पास होगी जो आपके नेजल कैविटी में जाएगी वो प्योर एयर अंदर जाएगी वी ब्रीद इन एयर थ्रू द द हेयर इन द नॉस्ट्रल ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एयर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द लंग्स फ्रॉम द नॉस्ट्रिल एयर एंटर्स द ट्रैकिया अब यहां से एयर जाती है ट्रैकिया में ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं देन इट गोज इन टू स्मॉलर ट्यूब कॉल या फिर ब्रोंकस जिसको हम सिंगुलर में बोलते हैं वन ब्रोंकस एंटर ईच लंग यहां आप देख सकते हो दिस इज योर नोस्ट्रल यहां से एयर गई ने फिर यह आई विंड पाइप में अब यह विंड पाइप जो होता है ना ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें बहुत सारी रिंग्स प्रेजेंट होती है फिर बिल्कुल जैसे एक पेड़ की ब्रांचेस होती है ना पेड़ ब्रांचेस दिखाता है बिल्कुल वैसे ही ये ब्रांच हो जाते हैं दो ब्रोंकिया में ब्रोंकिया जो है फर्दर ब्रांचेस हो जाते हैं और इनके माउथ के एंड पे लगा होते हैं एल्वियुलाय यही वो एलव है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये बिल्कुल बलून की शेप के होते हैं जैसे ही एयर आती है ये बलून की तरह एक्सपैंड हो जाते हैं और ऑक्सीजन को ये दे देते हैं किसको ब्लड वेसल्स को और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पिक करके लंग्स से बाहर फेंक देते हैं अ लार्ज मस्कुलर शीट कॉल डाइफ्रेम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी और चेस्ट कैविटी पे यहाँ पे नीचे एक डायफ्रेम लगा होता है बिल्कुल एक लेयर होती है जो की, जो कि कि अप और डाउन मूव कर सकती है अकॉर्डिंग टू द लंग कैपेसिटी। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ डायफ्रेम एंड द रिब केज। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बच्चों कि जब हम एयर इनहेल करते हैं इनहेल करते हैं तो जो हमारा डायफ्रिम है वो नीचे की तरफ को मूव करता है टुवर्ड्स द अपडोमिन एंड द इंटरपोस्टल मसल्स लोकेटेड बिटवीन रिब्स एंड डाइफ्रम ऑल्सो मूव डाउनवर्ड तो जब डायफ्रम नीचे की तरफ को मूव करता है तो इसकी वजह से लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है लंग्स की कैविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है और क्या होता है कि जब एयर ट्रैकिया से मूव करती हुई ब्रोंकस से मूव करती हुई एलविलाय में आती है तो एलविलाय बलून्स की तरह फूल जाते हैं और वहाँ पर जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर वो ऑक्सीजन को डिलीवर कर देते हैं

एज अ रिजल्ट चेस्ट कैविटी डिक्रीज इन साइज लीडिंग टू द आउटवर्ड फ्लो ऑफ एयर फ्राम लंग्स थ्रू दी नोज आप देख सकते हो जब हमने एयर को इनहेल किया तो रिप केज जो होता है ये एक्सपैंड करता है डायफ्रम नीचे की तरफ को मूव करता है तो हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और वहीं जब हम रिस्पायर आउट करते हैं मतलब एक्सेल करते हैं तो डायफ्रम ऊपर की तरफ को मूव करता है रिप केजेस जो है ये रिलैक्स करते हैं जिसकी वजह से लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है और एयर जो है वो एक्सहेल आउट कर दी जाती है टू डेमोन्स्ट्रेट द एक्शन ऑफ डायफ्रिम इन ब्रीदिंग इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं बच्चों इसके लिए हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए एक प्लास्टिक बॉटल चाहिए वाई शेप ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब चाहिए थिन रबर शीट थ्रेड टू बलून्स कॉक विद अ सिंगल होल तो रिमूव द बेस ऑफ द प्लास्टिक बॉटल और वहां पर आप एक क्या करेंगे

वेन वी पुल द रबर शीट डाउनवर्ड तो जब हम नीचे की तरफ को पुल करते हैं तो जो बलून्स हैं जो एल्विलाय है हमारे लंग्स के पास वो फूल जाते हैं दिस अकर्स बिकॉज द स्पेस इन साइड द बॉटल इंक्रीजेस अलाउविंग एयर टू मूव इन एंड इनफ्लेट द बलून्स सिमिलरली वेन डायफ्रम मूव अपवर्ड एयर मूव इन टू दंग्स द बलून्स विल डी फ्लेट वेन वी पुश द रबर ट्यूब

और जैसे ही हमने इसको डिफ्लेट करना है तो हम क्या करेंगे इस डायफ्रम को ऊपर की तरफ को पुश कर देंगे तो यहाँ पर एयर की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी जिसकी वजह से एयर जो है वो बाहर की तरफ रश डाउन कर देगी हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज द ब्लड फ्लोज थ्रू द बॉडी इट कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड कैरीज इट टू द हार्ट द हार्ट दैट सेंस द ब्लड टू द लंग्स

अब वो क्या करते हैं ऑक्सीजन तो ब्लड को दे देते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर लेते हैं जो कि फिर लंग से बाहर की तरफ को एक्सपेल आउट कर दी जाती है सेल्युलर रेस्पिरेशन द ऑक्सीजन अब्जॉर्ब बाय द ब्लड बाइंड विद हीमोग्लोबिन तो जो ऑक्सीजन है वो किससे बाइंड करती है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन आरवीसी तो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके पास एक पिगमेंट होती है इसी वजह से वो लाल रंग के होते हैं क्योंकि ये पिगमेंट रेड कलर की होती है इसका नाम है हीमोग्लोबिन ये जो पिगमेंट है जो ब्लड वेसल से ब्लड आ रहा है उसमें ये पिगमेंट प्रेजेंट है ये पिगमेंट क्या करती है जो ऑक्सीजन आई है उसके साथ ये एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हर सेल तक पहुंचाई जाती है जहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगी और कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के लंग्स में वापस लेके जाएगी तो जो ऑक्सीजन अब हर सेल तक पहुँची है वो खाने को ऑक्सीडाइज़ करेगी और उससे बनेगी हमारी एनर्जी जो हम सारा दिन काम करते हैं एनर्जी हमें वो चाहिए तो वही एनर्जी जो है ऑक्सीजन जो हमारा फूड है उसको ऑक्सीडाइज़ करके बनाती है Oxygen is released in the cell where it is used for cellular respiration. In cellular respiration, oxygen reacts with glucose to form carbon dioxide and water releasing energy in this process. Carbon dioxide formed during respiration is carried by the blood to the lungs to be exhaled out from the body. The number of times air is inhaled or exhaled in a minute is called respiration rate. Now difference between breathing and cellular respiration. चिल्ड्रन ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है यहाँ पर एनर्जी बनती है ब्रीदिंग इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस और ये एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है एंड इसमें कोई एनर्जी नहीं बनती या रिलीज होती लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है हैव अ लुक ऑन ट्रैक योर प्रोग्रेस चिल्ड्रन एक्सेल्ड एयर हैज मोर Dash and less in it than the inhaled air. Exhaled air has more carbon dioxide. Exhaled air has more carbon dioxide and less water vapor in it than the inhaled air. Oxygen is used for the oxidation of food. नंबर ऑफ टाइम एयर इज इनहेल्ड और एक्सल्ड इन अ मिनट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन रेट ऑक्सीजन कंबाइन्स विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है उट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके लिए हमें चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टैप वॉटर ट्रांसपेरेंट बॉटल एंड अ ग्लास तो आप क्या करोगे आप डिजोल्व करोगे अ पिंच ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन हाफ अ ग्लास ऑफ टैप वॉटर टू ऑपटेन लाइन वॉटर पोर द लाइन वॉटर इन अन ट्रांसपेरेंट बॉटल प्लेस योर माउथ ओवर द बॉटल एंड ब्रीद आउट एयर इन टू इट्स एवरल टाइम तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है वो मिल्की वाइट हो जाएगा तो मिल्की वाइट होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके मिल्की मिल्की कलर रिलीज करती है लाइम वाटर टर्न मिल्की कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद लाइम वाटर एंड टर्नज मिल्की डर दैट यू ब्रीद आउट कंटेन लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो हाँ बिल्कुल सही बात है ना रेस्पिशन इन प्लांट मोस्ट प्लांटिकली माइक्रोबीरिया में रेस्पायर एनबिकली एरोपिशन इन प्लांट इज ऑल्सो इनवॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भैया प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए प्लांट्स सिर्फ ये थोड़ी है कि खाना बना रहे हैं उस खाने को वो ऑक्सीडाइज भी करते हैं टू रिलीज एनर्जी सो प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर लेकिन जो प्लांट्स के रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एनिमल्स के रेस्पिरेशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स इन लीव्स नॉर्मली ड्यूरिंग डे टाइम आपको पता है कि लीव के लोअर सरफेस पे टाइनी स्मॉल होल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमैटा द स्टोमैटाज आर बिल्कुल राजमा के दाने ऐसे ओपन होते हैं तो इनसे क्या होता है जब ये ओपन होते हैं तो एयर कैन इजिली मूव इन एंड आउट गैशियज हो सकता है ड्यूरिंग द्रू द्रीन लीव रिमेन ओपन अलाउंग दिसम बोथ फोटोसिंथसिस एंड रेस्पिशन अकर साइमटेनियसली इन फोटोसिथिस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू स्टोमैटा एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर रिलीज इन टू द एयर थ्रू सेम स्टोमैटा तो क्या हो रहा है फोटोसिंथिस में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल की जा रही है अंदर जा रही है और ऑक्सीजन और वाटर वेपर जो है वो स्टोमैटा के थ्रू बाहर फेंक दिए जा रहे हैं देर आर टू वे मूवमेंट ऑफ गैसेज थ्रू द स्टोमैटा डूरिंग द डे टाइम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथिस ज्यादा तेजी से होता है एस कंपेयर टू रेस्पिरेशन डूरिंग द डे टाइम हेन्स अ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और वाटर वेपर और ऑक्सीजन जो है ये बाहर की तरफ फेंक दिए जा रहे हैं तो क्योंकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो सकता है इसलिए फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है रेस्पिरेशन का रेट जो होता है कम होता है मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन आउट और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम की जाती है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड रिलीज डूरिंग फोटोसिंथिस इज यूज इन रेस्पिशन विद इन द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ऑल्सो यूज विद इन द सेल्स फॉर द सिंथिस ऑफ फूड दस देर इज नो एपरेंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स थ्रू रेस्पिरेशन कंटिन्यूज ऑल द टाइम एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट रेस्पायर अब ये थोड़ी है कि सिर्फ लीज ही रेस्पायर करेंगी हर प्लांट का हर पार्ट जो है वो रेस्पिरेशन शो करेगा थ्रू आउट डे एंड नाइट वेयर एज अकर ओनली एट डे इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इज सनलाइट इन मोस्ट प्लांट्स टोमेटा रिमेन क्लोज एट नाइट तो जब टोमैटा क्लोज है तो गैशियस एक्सचेंज कहा से होगा फ्रॉम जनरल बॉडी सर्फेस ऑफ द प्लांट द एक्सचेंज ऑफ टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द जनरल सर्फेस ऑफ द सेल्स ऑन द लीव्स

रेस्पिरेशन जो है इसके अंदर क्या होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है लेकिन फोटोसिंथेसिस में आपका फूड बनाया जाता है रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल की जाती है लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब की जाती है ऑक्सीजन इज यूज अप ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लेकिन फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट So during respiration, products of digestion, such as glucose, reacts with oxygen to form carbon dioxide, water, and energy is released. In photosynthesis, mein glucose banta hai. Banta hai? carbon dioxide or water ka use karke in the presence of sunlight and chlorophyll. During respiration, chemical energy is converted into heat energy, or during photosynthesis, light energy is converted into chemical energy. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज अब्ज्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज और इसका उल्टा होता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब की जाती है और ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन एनिमल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इन्जाइम्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट और फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब सनलाइट प्रेजेंट होगी यानी कि सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में ही होगा इन प्लांट सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विद इन ईच सेल रिलीजिंग एनर्जी अगर हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स में भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स लाइक लायन काउस गोट डॉग लिजर्स स्नेक्स बर्ड्स ब्रीदिंग ऑर्गन्स आर डिफरेंट हाउ डू काक्रोचेज अर्थवर्म फ्रॉग एंड फिश ब्रीथ तो इसको हम देखते हैं डिटेल में कि ये ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीद आउट करते हैं अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें इंसेक्ट्स में तो इंसेक्ट्स के पास टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जिनको बोला जाता है स्पायरेकल्स। ये प्रेजेंट होती हैं इनकी बॉडी के साइड्स में तो जो जितने भी आपके ये इंसेक्ट्स हैं लाइक कॉकरोचेज और ग्रास हॉपर्स तो इनके पास टाइनी एयर ओपनिंग्स होती हैं जिनको स्पाइरकल्स बोला जाता है और ये साइड ऑफ द बॉडी के में लोकेटेड होती हैं दी स्पाइरकल्स आर कनेक्टेड टू द एयर ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज ट्रैकिया तो ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं ये ट्रैकिया से कनेक्टेड होते हैं ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स थ्रू स्पायरेस इन द ट्रैकियल ट्यूब फ्रॉम देयर इट डिफ्यूज इन द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी तो स्पायरिकल्स से होते हुए ट्रैकियल ट्यूब में जाती है ट्रैकियल ट्यूब से सारे सेल्स तक ऑक्सीजन रिच एयर पहुंचाई जाती है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक किया जाता है और वापस से स्पाइरिकल्स के थ्रू बाहर एक्जेल आउट कर दिया जाता है रेस्पिरेशन इन फिशेज चिल्ड्रन फिशेज जो होती हैं या ज़्यादातर हमारे एक्टिक एनिमल्स हैं ये ब्रीथ करते हैं थ्रू अ स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन कॉल्ड एज गिल्स तो आप यहाँ पर देख सकते हो फिशिज़ की बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं गर्ल्स हेल्स ऑक्सीजन अब ये कहाँ से लाते हैं ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन इनको मिलती है वो उस वहां से जो कि पानी में डिजोल्व होती है तो फिशेज तो पानी से बाहर नहीं जा सकती तो वॉटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसी से ये अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं गर्ल्स हेल्थ द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर दे आर मेड अप ऑफ टाइनी थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन फिल्मेंट तो आप अगर आप देखो तो यहाँ पे बिल्कुल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं गिल्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट्स विच आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स वेन वाटर एंटर्स द माउथ ऑफ अ फिश इट फ्लोज ओवर द गिल्स तो गिल्स से जैसे ही पानी निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जो कि ऑक्सीजन को ले लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड को यहीं रिलीज कर देंगी ताकि वो बॉडी के बाहर फेंक दी जा सके द ब्लड इन द वेसल्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म्स नाउ एस अर्थवर्म के अंदर क्या होता है बच्चों इनका जो जनरल बॉडी सरफेस होता है ये बहुत मॉइस्ट होता है और यहीं से ही रेस्पिरेशन की जाती है अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देअर स्किन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू देअर मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स चिल्ड्रेन जो फ्रॉग्स होते हैं फ्रॉक्स के अंदर गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं और लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं जब फ्रॉक टैडपोल कंडीशन में होता है मतलब कि जब वो सिर्फ पानी में रहता है टैडपोल इज़ द यंग वन ऑफ फ्रॉग तो उसके पास ब्रीदिंग ऑर्गन्स का जरिया होता है गिल्स लेकिन जब वो एक एडल्ट फ्रॉग में डेवलप हो जाता है तो इट गेट डेवलप्स इट हैज़ लंग्स फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पीरेशन और ये अपनी बॉडी सर्फिस के थ्रू भी रिस्पायर कर सकते हैं तो जब ये पानी में होते हैं तो ये रिस्पायर करते हैं थ्रू देयर मॉय स्किन और जब ये पानी के बाहर लैंड पे होते हैं तो ये रिस्पायर करते हैं थ्रू देयर लंग्स इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है क्योंकि ये लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं फ्रॉग्स कैन ब्रीथ थ्रू देयर मॉय स्किन एंड देयर लंग्स इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉय स्किन ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर नोस्टल्स एंड द एयर रीचेज द लंग एज इन ह्यूमन बींग्स Tadpoles breathe underwater using gills similar to fish. Now have a look on track your progress children. State whether the given statements are true or false. Fish breathe underwater through special organs called gills, yes this is true. Exhaled air contain oxygen, nahi this is false. Frogs can breathe through both skin and lungs, again this is true. Plants take in carbon dioxide and give out.

एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि आप और हम रेस्पायर करते हैं सारे लोग रेस्पायर करते हैं है ना हम लोग क्या कर रहे हैं हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं सो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ ए टी पी यानी कि एडीनोसेंट्राइफॉस्फेट यही वो एनर्जी है जो हमें हेल्प करती है सारे के सारे काम करने में ट इट इज द रेस्जन तो कुछ या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि रेस्पायर करते हैं विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन तब हम इस रेस्पिरेशन को बोलते हैं एनरोबिक रेस्पिरेशन क्या ह्यूमन बींग्स भी एनरोबिकली रेस्पायर करते हैं यस yes, करते हैं जब हम कोई विगरेस एक्टिविटी करते हैं जैसे कि रनिंग है साइक्लिंग है वेट लिफ्टिंग है तब हमारे जो मसल सेल्स हैं वहां पर पूरे तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है तो हमारे जो मसल सेल्स हैं वो रिस्पायर करते हैं एनरॉबिकली तो जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और हमें मसल क्रैम्स आते हैं फिर हम क्या करते हैं फिर हम हाफते हैं है ना हम करते हैं जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को अंदर लेने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है ये लैक्टिक एसिड धीरे धीरे जो है वापस से ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है तो हमारी बॉडी भी एनरोबिकली रेस्पायर करती है ड्यूरिंग द विग्रेस एक्टिविटीज दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन food plus oxygen will give you carbon dioxide plus water plus energy anaerobic respiration this type of respiration takes place without oxygen and release a small amount of energy this is called as anaerobic respiration anaerobic respiration typically occurs in yeast and some bacteria but it can also happen in humans

मोर एनर्जी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज देन द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर और इस केस में एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इथनॉल और लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर नाउ इफ फूड इज बर्न विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हाउ इज़ रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ कम्बस्टन बात भी सही है कम्बस्शन का मतलब क्या होता है बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सिमिलरली रेस्पिरेशन में भी तो यही हो रहा है फूड इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लेकिन बच्चों कम्बस्शन जो है ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है वहीं रेस्पिरेशन जो है ये आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है एंड इट इज़ अ स्लो प्रोसेस कम्बस्शन इज अ फा प्रोसेस एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है बच्चों रेस्पिरीशन में कोई लाइट एनर्जी नहीं रिलीज हो रही नो एन्जाइम्स आर रिक्वायर टू बर्न फ्यूल इट नीड्स हाई टेम्परेचर फॉर फायर टू स्टार्ट लेकिन लिविंग बींग्स के अंदर जो रेस्पिरीशन हो रहा है ये एक स्लो प्रोसेस है इसको करने के लिए एनजाइम्स की जरूरत होती है And it takes place as a temperature like 32-40 degree Celsius. Parasitic animals like roundworms and tapeworm also respire anaerobically inside your body. तो ये कुछ ऐसे parasites हैं जो आपकी body के अंदर भी present हो सकते हैं और आपकी body के अंदर ये anaerobically respire करते हैं. Click children. The hemoglobin of a newborn infant is of special type and can bind with more oxygen compared to that of adult. Frog respire by three different ways through their skin called cutaneous respiration through mouth called buccal respiration and through their lungs called pulmonary respiration. On an average day a person breathes in and out about 13000 liters of air. Wonderbox Sir Hans Adolf Krebs, he was the pioneering scientist who studied cellular respiration. He worked out the pathway for aerobic respiration also known as Krebs cycle, iske bare mein aap apni higher classes mein padenge, which earned him a Nobel Prize in Physiology in 1953. Now, have a look on keywords children, exhalation, releasing of carbon dioxide rich air from the nose inhalation taking in of oxygen rich air through the nose aerobic respiration respiration in the presence of oxygen anaerobic respiration respiration in the absence of oxygen oxyhemoglobin the combined form of hemoglobin with oxygen spiracles tiny holes present on the body surface of insects for exchange of gases trachea Spiracles leads it to air tubes called trachea that carry air directly to cells for the exchange of gases. Now have a look on review zone children. First is take the correct option. The first question says in cells food combined with oxygen and release energy. Taking in oxygen rich air through nose is called

नीड डैश टू डू वर्क तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए वर्क करने के लिए एनर्जी इंसेक्स ब्रीथ थ्रू टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स ऑर्गेनिजम्स लाइक डैश एंड समैश रिस्पायर एनरोबिकली ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट डैश प्रोड्यूस वेन मसल रिस्पायर एनरोबिकली तो यहां पे बनता है इथेनॉल इन फिश देयर आर टाइनी थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड गिल्स स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन नो दिस इज फॉल्स The gas produced during oxidation of food is carbon dioxide. Bilkul sahi baat hai. Lungs are protected within the rib cage. Bilkul sahi hai. Diaphragm is a bone that helps in breathing. Nahi. It is false. A large muscular sheath that forms the flow of the chest cavity. It is diaphragm. Fra. -gum. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ डायफ्रैम डी आई ए पी एच आर ए जी एम द कंबाइंड फॉर्म ऑफ हिमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज ऑक्सीमोग्लोबिन यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक दिस रेस्पिशन टेक्स प्लेस इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या ये होता है येस yes, होता है कौन सी ऑफ रेस्पिरेशन होती है वो दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरीशन द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथिस इज मच फास्टर देन रेस्पिशन तो ये किसमें होता है इन प्लांट अ पैरासाइट दैट रिस्पायर एनरोबिकली इनसाइड आवर बॉडी तो ये है इसका एग्जाम्पल है With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.